हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल। तो गाइस, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का क्लास 12th एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 12 है ये इलेक्ट्रिसिटी और ये क्लास 10th की साइंस का चैप्टर है। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, इसके हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। एक वायर का पीस है, उसका रेजिस्टेंस आर दे रखा है। सपोज ये रेजिस्टेंस आर हो गया वायर का। दीज पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको 5 भागों में काट लिया गया और फिर पैरेलल में कनेक्ट कर लिया गया। तो इफ इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन द रेशियो ऑफ आर एंड आर डैश। तो रेशियो ऑफ आर एंड आर डैश बनाना है। एक वायर का रेजिस्टेंस आर है, अब इसको 5 भागों में काट लिया गया। सपोज 1 2 3 4 5, 5 भागों में काट लिया गया। तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, डिवाइड हो जाएगा R बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, R बाय 5 के 5 पीसेज हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, किसी भी वायर को हम काटते हैं, जितने हिस्सों में काटते हैं वो उतने हिस्सों में उसका रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 5 हिस्सों में हमने काटा तो ये इसको R बाय 5 हो जाएगा सबका रेजिस्टेंस, पांचों पीसेज का। अब उसके बाद इन्होंने क्या करा है, जो इन पांचों को किसमें कनेक्ट कर लिया, पैरेलल में। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिया तो क्या होगा, पैरेलल का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका आर डैश दे रखा है। तो पैरेलल में हमें पता है क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 ऐसे चलता है इस सीरीज में, 1/R3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता है पैरेलल में। सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, पैरेलल में ऐसे चलता है। तो क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 R4 R5 सब क्या है, R/5 है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा और R नीचे आ जाएगा, 5/R + 5/R + 5/R + 5/R + 5/R। ठीक है, तो ये एलसीएम इनका सेम है, RRR और सीधा ऊपर न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा तो 25/R हो जाएगा। तो 1/R' क्या हो जाएगा, ये तो R' क्या हो जाएगा आपका, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, R/25। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, रेशो ऑफ R एंड R', रेशो ऑफ R एंड R' निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, रेशो ऑफ R एंड R', इसको हम इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, R/R' निकालना है हमें, R/R' हो जाएगा 1/25। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। तो R/R' हो जाएगा 1/25, R/R' हो जाएगा 25। ये न्यूमरेटर नीचे आएगा ना, R/R' तो 25 ऊपर चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, फर्स्ट का आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा इनमें से इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन नहीं करता। तो इसमें से हमें पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पावर इक्वल टू VI होता है, वोल्टेज इनटू करंट होता है। ठीक है, तो VI होता है, और क्या हो सकता है VI की जगह, V की जगह अगर IR रखेंगे हम, वोल्टेज IR होता है, तो ये क्या हो जाएगा, I2R हो जाएगा।
एक तो ये फॉर्मूला हो गया इसका, एक ये फॉर्मूला हो गया इसका। और क्या कर सकते हैं, अगर आई की जगह वी रखेंगे, वी इंटू आई की जगह वी अपॉन आर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया इसका। तो इनमें से देखिए कौन सा नहीं है, इलेक्ट्रिकल पावर इसमें से कौन सा नहीं है, वी स्क्वायर बाय आर है, वी आई तो पता ही हमें होता है, आई स्क्वायर आर होता है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड, इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट पावर व्हेन इट इज ऑपरेटेड इट इन 110 वोल्ट 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। हमें पावर निकालनी है, एक सेकेंड इसे रब कर लेते हैं। ठीक है, पावर निकालनी है हमें, पावर का फॉर्मूला तो हमें पता है, ये वी इंटू आई होता है। ठीक है, आंसर था ये। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें वोल्टेज कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट, और इसमें पावर दे रखी है बल्ब की 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है। अब ये पूछ रहा है अगर इसे 110 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तो पावर कंज्यूम्ड विल बी, तो 110 वोल्ट पे अगर ऑपरेट करेंगे तो पावर कितनी कंज्यूम करेगा ये। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, पहले करंट निकालेंगे। पावर हमें पता है क्या होता है, वी इंटू आई होता है, पावर वी आई होता है। पर पावर हमारे पास और क्या होता है, पावर के तो तीन फॉर्मूले होते हैं, पावर हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है। इसमें मैं बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाने वाला हूं, आप ध्यान से देखिएगा। इन क्वेश्चनों में क्या होता है, वोल्टेज और पावर दे रखी है। अब इसके बाद इसने क्या पूछा है कि पावर निकालनी है हमें अगर वोल्टेज ये कितनी कंज्यूम करेगा, 110 वोल्ट। ठीक है, इसको V2 बोल देते हैं। तो 110 वोल्ट अगर कंज्यूम करेगा तब पावर निकालनी है। अब पावर के फॉर्मूले हमारे पास वी आई भी है, वी स्क्वायर आर भी है, और पावर का हमारे पास आई स्क्वायर आर भी है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में हम अगर तीनों फॉर्मूले अलग अलग यूज करेंगे तो आंसर अलग अलग आएंगे। ठीक है, हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि हमारा आंसर करेक्ट आए, तो इन फॉर्मूले में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है। अब हमसे पूछ रहा है कि पावर उस निकालनी है हमें अगर वोल्टेज चेंज हो गई बल्ब की, अगर हम वोल्टेज चेंज करेंगे तो करंट भी चेंज होगा, वोल्टेज चेंज करेंगे तो करंट भी चेंज होगा बल्ब का, तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी बल्ब की, बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो चीज कांस्टेंट रहेगी। तो हमें वो फॉर्मूला लगाना होगा जिसमें रेजिस्टेंस निकाला जा सके। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर बाय आर। हम ये भी यूज कर सकते थे आई स्क्वायर बाय आर, क्योंकि इसमें भी रेजिस्टेंस है, बट हमें करंट गिवन नहीं है इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। तो इस फॉर्मूले से आंसर देखते हैं, पावर वी स्क्वायर बाय आर है, पावर इनिशियली कितनी दे रखी है, 100 वॉट, और वी स्क्वायर वोल्टेज कितनी दे रखी है, 220 दे रखी है, 220 इंटू 220 हो जाएगा, और आर हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो 0 से 0 गया तो आर आ गया हमारे पास 22 इंटू 22। ठीक है, अब ये आर आ गया हमारे पास, अब हमें निकालनी है पावर। तो पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, वी स्क्वायर बाय आर। वोल्टेज कितनी दे रखी है अब उनने, 110 इंटू 110 वी स्क्वायर हो जाएगा, एंड आर कितना हो जाएगा हमारे पास, 22 इंटू 22, ये काटेंगे 5 से 5 से, तो 25 इन हमारा आंसर आ जाएगा, 25 वॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 25 वॉट। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चनों में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय
आर, जब हमें पावर ही कैलकुलेट करनी हो और वोल्टेज या करंट वेरी करा रखा हो। जैसे यहाँ वोल्टेज 220 थी, 220 वोल्ट थी, और यहाँ वोल्टेज क्या हो गई, 110 वोल्ट। तो वोल्टेज वेरी कराई, ऐसे अगर हम करंट वेरी कराएंगे तो भी। तो ऐसे में हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे पावर निकालने का, बी स्क्वायर बाय आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइस, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल कहने का मतलब क्या है कि उसकी कंडक्टिविटी जो है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है रो एल अपॉन ए। रो क्या होती है इसकी, रेजिस्टिविटी, एल लेंथ और ए एरिया, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सेम मटेरियल कहने का मतलब है कि जो ये रो है वो इक्वल है, दोनों की रो क्या है, मतलब रो क्या कह रहे हैं इसे, रेजिस्टिविटी जो है। सेम मटेरियल का मतलब ये होता है। ठीक है, इक्वल लेंथ, लेंथ भी इक्वल है, ये चीज भी इक्वल हो गई, लेंथ भी इक्वल है, एंड इक्वल डायमीटर, मतलब डायमीटर सेम है, तो पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, एरिया भी सेम हो जाएगा। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन द सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। तो क्या हो गया, हमें हीट निकालनी है दोनों की और उसकी रेशियो निकालनी है। जब हीट की रेशियो निकालनी है किस में, हीट प्रोड्यूस इन सीरीज, तो हीट प्रोड्यूस हुई सीरीज में जब लगाया तो एच एस मान लेते हैं, और हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल एच पी मान लेते हैं। तो ये फॉर्म, ये रेशो हमें निकालनी है, हीट इन सीरीज अपॉन हीट इन पैरेलल। ठीक है, उससे पहले हमें हीट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हीट का फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, हीट का फॉर्मूला, हीट का हमने फॉर्मूला पढ़ा है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर टी होता है, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे कनेक्ट है सेम टाइम के लिए, तो आई स्क्वायर और टाइम तो सेम हो जाएगा। अब हमें आर, आर सीरीज का निकालना है और आर पैरेलल का। तो दो वायर है कॉपर वायर के, सेम मटेरियल है, कंडक्टिंग डिफरेंस इक्वल डायमीटर, तो उनका रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा। पर जब हम उसे पैरेलल में, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो अगर सेम रेजिस्टेंस है आर प्लस आर, सपोज आर रेजिस्टेंस मान लेते हैं वायर का, तो क्या हो जाएगा, 2R। ठीक है, और जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आर पी निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 1/r अपॉन 1/r, 2/r, और रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका हो जाएगा R/2। जब पैरेलल में कनेक्ट करा दोनों रेजिस्टेंसों को तो R/2, और सीरीज में करा तो 2R। ठीक है, और हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब इसमें पुट कर देते हैं, हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी होता है, करंट तो सेम है आई स्क्वायर, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करा है, तो आर सीरीज का कितना हो जाएगा, 2R। ठीक है, और टाइम तो सेम रहेगा टी। ठीक है, और यहां भी पैरेलल में आई स्क्वायर, करंट सेम रहेगा, रेजिस्टेंस आर अपॉन 2 और इनटू टी। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर, टी से टी, और आर से आर, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा ये 2, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो ये ऊपर जाएगा तो 4:1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 4:1 आ जाएगा, पर ये आंसर हमारा गलत होगा। ठीक है, क्यों गलत होगा, आप वही वाला फॉर्मूला जैसे मैंने उसमें बताया था आपको कि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर भी होता है और वी इंटू आई भी होता है। अब यहां इसने बोला है, ये ध्यान से देखिए आप, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यहां हमें हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी तो पढ़ा था, हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी तो पढ़ा था, तो हीट का फॉर्मूला अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस में निकालना है
अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखना है तो हीट का फॉर्मूला क्या होगा? हीट का फॉर्मूला होगा आई आर को हम आई आर को लिख सकते हैं वी, तो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, ये फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे हम, जब जाके आंसर सही आएगा हमारा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये फॉर्मूला रखेंगे हम, ना कि ये। तो इसमें फॉर्मूला क्यों, ये क्यों रखेंगे? क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस रखा है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इसमें हम ये फॉर्मूले की जगह अगर ये रखेंगे तो इसमें क्या होगा, वी से वी कट जाएगा, रेसिप्रोकल आर नीचे आ जाएगा, तो आंसर हमारा 4:1 आया था, वो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1:4, क्योंकि रेसिप्रोकल हो गया, तो आंसर इसका हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर सीरीज में अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर पैरेलल में, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा आर पी अपॉन आर एस। आर पी हमारा कितना है, आर बाय 2, और ये आर एस कितना है, 2 आर, आर से आर कैंसिल होएगा तो ये 1:4 आ जाएगा। ठीक है, तो गाइज इसमें ये क्वेश्चन में भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1:4। ठीक है, और 4:1 इसका आंसर नहीं होगा, ये गलत होगा। ऐसी अगर उस ऊपर वाले क्वेश्चन में भी अगर हम पावर इक्वल टू वी आई लगाते, अगर वी आई लगाते उसमें आंसर हमारा 50 वॉट आ जाता, तो ये कि गलत आंसर होता, तो इसलिए हमें उसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम रहेगा और पोटेंशियल यहाँ सेम दे रखा है, तो इसलिए इसमें भी पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों ध्यान से रखना है आपको, ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज ए वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन ए सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को दो पॉइंट से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो इसको देख लेते हैं। ये तो वोल्ट मीटर को कनेक्ट कैसे करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, अगर ये कोई बैटरी है, ये एक सर्किट है, सपोज ये एक बल्ब है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, तो किसी का भी पोटेंशियल मेजर करने के लिए पोटेंशियल मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं हम, पैरेलल में ऑलवेज। हम जैसे इस बल्ब का पोटेंशियल मेजर करना है तो हम वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, इसके पैरेलल में। ठीक है, तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, और अगर यही क्वेश्चन होता कि एमीटर करंट को मेजर करना होता तो हम कैसे कनेक्ट करते, तो एमीटर को कनेक्ट करना होता या करंट को मेजर करना होता तो कैसे मीटर कनेक्ट करेंगे हम, सीरीज में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा पैरेलल। हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन ए सर्किट, तो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ए कॉपर वायर हैज डायमीटर, एक सेकेंड इसको रब कर दे, कॉपर वायर का डायमीटर दे रखा है 0.5 mm, रेजिस्टिविटी दे रखी है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ohm। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना होता है हमें क्वेश्चन ही, इसमें सारा सब कुछ हमें पता है, बस अप्लाई ध्यान से करना है। अब हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है कितना दे रखा है, 0.5 mm, ये डायमीटर हो गया, तो रेडियस निकाल लेंगे इसकी, रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.5 बाय 2 mm। अब उसने दे रखा है, उसके बाद पहले तो गिवन लिख ले करें जो भी दे रखा है, उसके बाद इसने दे रखा है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को रो से नोट करते हैं,
रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है, ये लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10^-8 ओम में ही दे रखी है, ठीक है, ओम मीटर। तो इसको तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत तो नहीं है, और लेंथ निकालनी है हमें, अगर रेजिस्टेंस इसका दे रखा है 10 ओम। तो हमने फॉर्मूला पता है रेजिस्टेंस का क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब हमें रो दे रखा है, एल निकालनी है, आर दे रखा है, ए, एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर ये सीधा फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, एक बारी कैलकुलेशन हो जाएगी ऐसे करके वैल्यू की। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से लेंथ निकालनी है, इस फॉर्मूले से हमें लेंथ निकालनी है। तो लेंथ क्या हो जाएगी, एल क्या हो जाएगी हमारे पास, ये एरिया उधर जाएगा, आर इंटू एरिया अपॉन रेजिस्टिविटी, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। और एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर रख देंगे। तो अब ये फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, यहाँ से ये क्या आ जाएगा, लेंथ हमारे पास, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 10, ठीक है, एरिया कितना दे रखा है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर की जगह लिख देते हैं हम 22/7, ठीक है। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है, 0.5/2, आर स्क्वायर है तो 0.5/2 दो बार आ जाएगा, ठीक है। ये आर की वैल्यू होगी पाई आर स्क्वायर अपॉन रो, रेजिस्टिविटी की वैल्यू आएगी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.6 × 10^-8, ठीक है। ये ओम मीटर में है, रेजिस्टेंस ओम में हो गया हमारा, ये एमएम में है, तो ये एमएम में है तो इसको किस में करना पड़ेगा हमें, मीटर में। तो 1 mm को मीटर में करने के लिए 10^-3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे 1000 × 1000 10^6 हो जाएगा 1 mm के। भाई एक रेडियस है ये दे रखी है 5.2 mm, तो इसको, वन सेकेंड, ये दे रखी है, तो इसको हम क्या करेंगे, 10^-3 से करते हैं ना कन्वर्ट, इसको 10^-3 से मल्टीप्लाई करके ये मीटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये नीचे आके 6 हो जाएगा, यहाँ 10, 3 ये और 3 ये, आर रेडियस की स्क्वायर है ना, इसलिए ये हो जाएगा। अब हम इसे काट के देख लेंगे, कट जाएगा, ये 6 है और ये 6 से और ये 10 की 8 गया और ये पॉइंट ये हटे, तो ये हट जाएगा, 2 0 से ये 2 और 6 8, 8 हो गए, ये खत्म ये। तो 10 × 22/7, 25/25 और 4, तो ये कट के 2 से 11, ये 5, ठीक है, 5 5 की क्यूब हो गया, इंटू 11, 125 × 11 अपॉन 1.6, तो ये एल आ जाएगी सॉल्व करके 122.5 मीटर, ठीक है। और 25 5 की क्यूब 125 × 11, ठीक है, 1250 और ये 125 अपॉन 1.6 से डिवाइड करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर डायमीटर डबल कर देंगे वायर का तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा। अब हमें पता है अगर डायमीटर डबल करेंगे हम तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए, डायमीटर डबल करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, क्वाड्रपल्ड हो जाएगा, क्योंकि आर की स्क्वायर होता है ना, तो आर की स्क्वायर होता है, तो इसका डबल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ये यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो अगर डायमीटर डबल करेंगे तो अगर वायर मोटी, ऐसे भी देख सकते हो आप, अगर वायर मोटी करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
ठीक है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर डायमीटर डबल करेंगे तो एरिया डबल्ड हो जाएगा, एरिया डबल होगा तो क्या होगा, एरिया डबल होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो अगर उसका डबल करेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है, डायमीटर डबल करेंगे तो रेडियस भी आर, डायमीटर आर की स्क्वायर होता है ना, तो 2 2 जा 4, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस। पहले रेजिस्टेंस कितना था आप देख लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस 10 था, तो अब कितना हो जाएगा 2.5 ओम, 1/4 हो जाएगा, 10/4 हो जाएगा। ठीक है गैस, समझ आ गया, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर ऑफ गिवन लेंथ। इफ डायमीटर इज डबल्ड देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बिकम 1/4। ठीक है, अगर ट्रिपल्ड करते डायमीटर तो 1/9 हो जाता। ठीक है, अगर फोर्थ फोर टाइम करते डायमीटर तो 1/16 हो जाता। ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द वैल्यू ऑफ द करंट आई इज फॉलोइंग इन द गिवन रेजिस्टेंस फॉर द कोरिस्पोंडिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर गिवन बिलो। ये दे रखी है, प्लॉट द ग्राफ। तो ग्राफ बनाना है, ये बना लेंगे आप, ये तो कर्व बना लेंगे। इसका ओम्स लॉ फॉलो करेगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा, तो आपका कर्व एकदम करेक्ट है। प्लॉट करके दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा ये रब करके। तो अगर ये प्लॉट करेंगे हम तो एक एक्सिस वाई एक्सिस होगा और एक एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम वोल्टेज लेंगे वोल्ट्स और यहाँ करंट लेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर्व बनेगा, ये जीरो से शुरू करेंगे, जीरो और इसमें मैक्सिमम देख लीजिए हमारा वोल्ट कितना है, 13 तक है, तो 13.2, तो 14 ले लेंगे, तो 2 6 8 10 12 और ये 14। ठीक है, और ये आपका करंट का है एक्सिस, तो करंट 4 तक है, तो 4 तक है तो बस 4 तक ही आ जाएगा, तो यहाँ कर लेंगे 1 2 3। गैप हमेशा सेम लेने हैं, बस इसमें और कुछ नहीं है 4 तक। तो ये प्लॉट करेंगे, 1.6 वोल्ट इधर आएगा और हमारा करंट होगा 0.5, 0.5 आएगा इधर आधा और ये 1.6, तो ये इधर पॉइंट आ जाएगा एक। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है 3.4 वोल्टेज, 3.4 4 से थोड़ा कम होगा, यहाँ आएगा और हमारा ये कितना आ जाएगा, हमारा करंट 3.4 पे 1, तो ये 1 तो यहाँ हो गया और ये 3.4, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 6.7, 6.7 यहाँ जाएगा, ये ऐसे करके, और अपना यहाँ पे करंट कितना है 2 एम्पेयर, तो 2 एम्पेयर तो बिल्कुल स्ट्रेट ये जाएगा, ये स्ट्रेट और ये आपका हो जाएगा 6.7, 6.7 यहाँ आएगा समथिंग ये। तो ऐसे करते हो प्लॉट कर लेंगे, 10.2, 10.2 ये वोल्टेज है और ये यहाँ पे 3 होएगा, 3 पे कितना है 10.2, तो यहाँ से आएगा। तो ये जब हम प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट कर्व बनेगा एक्चुअली, तो बस ये कर्व प्लॉट करना है, स्ट्रेट प्लॉट हो गया तो ये ओम्स लॉ फॉलो कर लिया, तो ये आपका करंट हो जाएगा। प्लॉट ए कर्व एंड कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो रेजिस्टेंस हमें निकालना है तो कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे, जैसे कि वी, ये वोल्टेज हो गई हमारी, तो कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे रेजिस्टेंस आर निकालने के लिए, आर निकालने के लिए कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे ए और बी। तो वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस वी बाय आई होता है। ठीक है, तो दो पॉइंट ले लेंगे, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा और यहाँ पे आई ए माइनस आई बी हो जाएगा। कर्व में ऐसे निकालते हैं, वी बाय आई फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, तो हम कर्व में अगर निकालने हैं तो
हमें पोटेंशियल कैसे पता चलेगा कि पीछे वाला हम माइनस कर देंगे, तो इसमें से हम क्या करेंगे, कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे और वैसे करके हम कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1 पॉइंट, जैसे 3.6 है, करंट कितना है देखिए, जैसे अपना 3.6 ये वाला ले लेंगे, ये बहुत ही इजी पड़ेगा हमें, ये वाला, इसको ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 वन ही आ जाएगा, ये इजी पड़ेगा। और आई ए माइनस आई बी 6.7 में से माइनस कर देंगे 3.4, ठीक है। तो 2 में से 1 गया, 1 आ गया, और ये हो जाएगा हमारा 3.3 आएगा, ठीक है। तो इसको ये पॉइंट ऊपर जाएगा, 10 हो जाएगा, 10/33, तो ये समथिंग आएगा अपना 3.3 ओम आ जाएगा, ये 3.3 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कर्व में तो बहुत इजी है, आप ऐसे करके कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.3 ओम। 3.3 ओम कैसे आएगा, ये एक्चुअली ये उल्टा हो गया, ये ग्राफ वोल्टेज वाला नीचे है, तो 6.7 माइनस 3.3 ऊपर आएगा और 2 माइनस 1 नीचे आएगा, तो 1/3.3 की जगह 3.3/1 आ जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, इसको सीधा आप ऊपर कर लीजिएगा, 6.7 माइनस 3.4 और ये 2 माइनस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.3 ओम, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन ए बैटरी 12 वोल्ट बैटरी 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू अक्रॉस ए अननोन रेजिस्टर, देन देयर इज ए करंट ऑफ इतना 2.5 मिली एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ कर देते हैं, वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट और देर इज ए करंट, करंट दे रखा है 2.5 मिली एम्पेयर। मिली का मतलब क्या होता है, 2.5 × 10⁻³ जाता है मिली में, ठीक है। रिस्पेक्टिवली इन द सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बी अपॉन आई होता है रेजिस्टेंस, वी क्या है 12 वोल्ट और 2.5 × 10⁻³, ठीक है। तो 12/2.5, ये 3 क्या है ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा, 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं, और ये 4 पे जाएगा, तो 12 × 4 = 48, 48 और 2 0, इतना ओम आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर 8, आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, आंसर 9, बैटरी दे रखी है तो वोल्टेज कितनी दे रखी है हमें, 9 वोल्ट, इज कनेक्टेड इन ए सीरीज विद रेजिस्टेंस इतना इतना इतना, तीन चार रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस से 12 ओम तक रिस्पेक्टिवली, हाउ मच करंट वुड इट फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस, 12 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो उसके बाद इंडिविजुअल करंट हम निकाल सकते हैं। सारी बैटरी इसको सीरीज में कनेक्ट करा है ना रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज हमें क्या होता है पता है, R1 + R2 + R3 + R4 + R5, ये हो जाएगा, ठीक है, कर लेते हैं।
तो आर वन कितना दे रखा, 0.2 ओम, फिर आर टू 0.3 प्लस आर थ्री 0.4, आर फाइव 0.5 और आर फाइव दे रखा है 12 ओम। सारा ब्रैकेट में ओम आ गया, तो टोटल कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, 5 4 9 13.4 ओम। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया, टोटल रेजिस्टेंस इतना आ गया। तो करंट कितना आ जाएगा हमारे पास, पूरे सर्किट में करंट निकालेंगे, पूरे सर्किट में करंट क्या होगा, टोटल वोल्टेज 9 वोल्ट अपॉन V बाय R होता है, तो 9 हो गया और 13.4 इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, टोटल करंट आ जाएगा। टोटल करंट कितना आ जाएगा, इसको 13 से डिवाइड, 90/134, 0.67 एम्पेयर, ये क्या आ जाएगा, टोटल करंट। अब ये पूछ रहा है कि 12 ओम वाले रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो होगा, तो 12 ओम वाले में से भी इतना ही करंट फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि जब सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं, सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट। हर रेजिस्टेंस में अगर सीरीज में कनेक्ट है तो जितना करंट, टोटल करंट है, वही सीरीज में हर रेजिस्टेंस में वो सेम रहेगा। सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। ठीक है, तो जितनी टोटल वोल्टेज होती है पैरेलल में, उतनी ही वोल्टेज रहती है हर रेजिस्टेंस में। तो सीरीज में या सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो टोटल करंट 0.67 एम्पेयर है, तो 12 ओम वाले रेजिस्टेंस में भी, 12 ओम वाले रेजिस्टेंस में भी 0.67 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक सेकेंड रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है, हाउ मैनी कितने रेजिस्टेंस 176 ओम के पैरेलल में कनेक्ट करें टू 5 एम्पेयर और 220 वोल्ट। 5 एम्पेयर को कैरी करने के लिए 220 वोल्ट लाइन पे कितने कनेक्ट करें कि, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे कि कितना टोटल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, 5 एम्पेयर और 220 वोल्ट पे, तो वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट और करंट दे रखा है 5 एम्पेयर, तो आर कितना हो जाएगा, 220 V/I, तो 44 ओम रेजिस्टेंस आ गया। तो अब हमें टोटल 44 ओम बनाना है, कितने का, 176 ओम का, कितने रेजिस्टेंस लगाएं कि हम इतने पे पहुंच जाए। तो पैरेलल में लगाना है तो 1/R equivalent = 1/R1-R2-, ये होता है फॉर्मूला एंड सो ऑन। तो हमें पता, हमें तो निकाल लें कितने रेजिस्टेंस निकाल लें, तो सारे रेजिस्टेंस सेम है, सेम वैल्यू है 176। ठीक है, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं n रेजिस्टेंस लगेंगे, तो n/R, ठीक है, R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 176, और R इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आया, 44 ओम। ठीक है, तो n की वैल्यू आ जाएगी यहां से 176/44। ठीक है, ये लगभग आएगा आपका 4 4 16 होता है, तो ये आ जाएगा 4, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। ये आपको समझ आ गया ना क्यों करा, क्योंकि R1 R2 की वैल्यू सेम है, तो LCM कितना आ जाएगा, 17 R ही आएगा, तो R की वैल्यू 176 रख दी, और ये डैश डैश करके n तक जाएगा, हमें पता नहीं कितने तक जाना है, कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो उसको सपोज कर लेंगे n, तो 1/R equivalent = इतना, 1/R equivalent कितना निकला हमारा, 44 ओम, और टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालने, n रेजिस्टेंस हो गए n/176। अगर यही सीरीज में होता तो हम क्या करते, 44 = nr, अगर यही क्वेश्चन सीरीज में होता तो हम इस रेजिस्टेंस को nr के इक्वल रख देते और r की वैल्यू 170, तो n की वैल्यू निकल जाती। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है ये? क्वेश्चन 11 में कह रहा है शो हाउ वुड यू कनेक्ट थ्री रेजिस्टेंस, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, सो दैट द कम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। तो 6 ओम को हमें 9 ओम बनाना है। हमारे पास 6 ओम के कितने रेजिस्टेंस है? 3 रेजिस्टेंस है और उसको हमें 9 ओम बनाना है। तो 6 ओम का हमें 9 ओम बनाना है। तो देख लेते हैं एक बार, हाउ मैनी शो दैट कनेक्टेड रेजिस्टेंस 6 ओम, 9 ओम करना है। तो 6 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस है, 6 ओम, 6 ओम, और ये भी 6 ओम। 6 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस का हमें 18 ओम बनेगा अगर सीरीज में लगाते हैं। हमें बनाना है 9 ओम, तो 9 ओम बनाना है तो हमें 6 और 3, तो हम दो पैरेलल में लगा देंगे। ये हो गया हमारा पैरेलल में, दो तो 6 6 ओम के हम पैरेलल में लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? अगर पैरेलल में लगाते हैं तो हाफ हो जाता है ना। सेम रेजिस्टेंस अगर लगाते हैं पैरेलल में, भाई ये आप याद रखना कि अगर एक रेजिस्टेंस आर है और दूसरा रेजिस्टेंस भी आर है, ठीक है? इन क्वेश्चंस के लिए कंसेप्ट जरूरी है। तो अगर दोनों रेजिस्टेंस आर आर है और अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर बाय टू, उनका हाफ हो जाता है। और अगर सीरीज में लगाते हैं, अगर यही रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में तो आपको पता ही है इसका आर है और इसका आर है, तो ये 2R हो जाता है। ये बस याद रखना होता है इसमें कंसेप्ट। सीरीज में लगाएंगे तो ट्वाइस हो जाएगा अगर सेम रेजिस्टेंस है, ये कंडीशन याद रखना। और अगर पैरेलल में लगाएंगे तो हाफ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? 9 ओम बनाना है इक्विवेलेंट। तो कैसे बनेगा 9 ओम? 6 प्लस 3, ठीक है? 6 प्लस 3 अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 ओम हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो 6 6 ओम के हैं तो 2 6 6 के पैरेलल में लगा दे तो ये 3 हो जाएगा। 6 6 ओम के ये क्या करें, हमने पैरल में लगा दिए और 1 6 ओम का सीरीज में लगा दिए। तो ये जो सर्किट होगा, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए और ये बी, तो ये टोटल कितना रेजिस्टेंस देगा हमें? 6 और 3 9 ओम दे देगा, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट में इसके बनाना है हमें 4 ओम। 4 ओम कैसे बनेगा? अब बताएं 4 ओम कैसे बनेगा। 4 ओम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 ओम बनाने के लिए हमें 3 रेजिस्टेंस भी 3 होने चाहिए। हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है और 4 ओम बनाना है, तो हम क्या करेंगे? 2 रेजिस्टेंस तो हम इसके सीरीज में लगा देंगे और 1 पैरेलल में 6 ओम का, ठीक है? तो ये बन जाएगा 4 ओम। सेकेंड पार्ट इसका, अगर मैं ये 6 ओम ले लिया और एक ये 6 ओम और इसके पैरेलल में ये 6 ओम, 3 ही रेजिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है? ये बी पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये 6 ओम 6 ओम 6 ओम, तो ये क्या बन जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा 4 4, ठीक है? कैसे आएगा ये? हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं, 6 और 6 12, 12 ओम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 6 ओम, 6 ओम, 12 6 18, 6 18 3 4 ओम आ जाएगा। आप करके भी चेक कर सकते हैं, तो 12 ओम इसका आंसर आ जाएगा इस सर्किट। हेलो, तो हमने गाइस 11 क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके, इस एक्सरसाइज की। आगे वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बाकी के क्वेश्चंस और जो पेज वाइज क्वेश्चन है चैप्टर में,
पर्टिकुलर पेज पे तीन तीन क्वेश्चंस है, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।